इंदौर क्राइम ब्रांच व द्वारकापुरी थाना पुलिस ने संयुक्त कार्रवाई करते हुए लूट व डकैती के 5 आरोपियों को गिरफ्तार करने में सफलता हासिल की है। दरअसल इंदौर क्राइम ब्रांच को मुखबिर से सूचना मिली थी कि द्वारकापुरी थाना क्षेत्र के आकाश नगर पावर हाउस के पास में कुछ संदिग्ध व्यक्ति बैठकर हथियार के साथ डकैती डालने की योजना बना रहे हैं। सूचना पर इंदौर क्राइम ब्रांच व द्वारकापुरी पुलिस ने मौके पर पहुंचकर दबिश देते हुए 5 आरोपियों को हथियारों के साथ गिरफ्तार किया है। पूछताछ में आरोपियों ने सोने चांदी की दुकान पर डकैती डालने का खुलासा किया। वहीं पकड़े गए आरोपियों के पास से 15 मोबाइल, 1 लैपटॉप, 1 कैमरा जब्त किया गया है, जिसकी कीमत लाखों बताई जा रही है। साथ ही आरोपियों के पास से नकदी सहित सोने चांदी के आभूषण भी जब्त किए गए हैं। 5 लोगों को डकैती की योजना बनाते हुए पकड़ा गया है। ये 5ों इनकी पूर्व का अपराधी रिकॉर्ड भी है और इनसे जब सख्ती से पूछताछ की गई तो इनके द्वारा द्वारकापुरी क्षेत्र में करीब 6-7 और अन्य घटनाएं करना इन्होंने कबूला है। इनसे भारी मात्रा में सोने चांदी के जेवरात, लैपटॉप और अन्य कैमरा, CCTV कैमरा जो भी इन्होंने चुराए थे वो इनसे बरामद हुए हैं। और ये 5ों के पूर्व के रिकॉर्ड भी हैं। ये इनमें से 4 लोग आकाश नगर के रहने वाले हैं और 1 व्यक्ति इसमें ऋषभ विहार कॉलोनी का रहने वाला है। तो इनसे अभी और विवेचना अभी जारी है। इनसे हथियार, एक पिस्टल भी जब्त हुई है, चाकू छुरी भी जब्त हुआ है। और जो है ये इनके रात के समय गैंग बना के ये लोग घरों में घुसा करते थे और इनके अधिकतर जो इनका जो क्षेत्र है वो द्वारकापुरी थाना क्षेत्र में इन्होंने काफ़ी वारदातें करी हैं। अन्य अन्य इन्होंने थानों में भी वारदातें करी हैं, उसके संबंध में भी उन थानों को बता दिया गया है। ब्यूरो रिपोर्ट, JSR टाइम्स। ताज़ा खबरों के लिए सब्सक्राइब करें JSR टाइम्स और साथ ही नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन को दबाएं।